हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है हमारे GTFA के सेकंड एपिसोड पे। तो गाइस, लास्ट एपिसोड में सीन ऐसा था कि हम लोग गए थे कार शोरूम में एक नई कार खरीदने, लेकिन यार वहाँ पे एक भी ढंग का गाड़ी नहीं था, बस दो बेकार के गाड़ियां थी। पता नहीं कुछ SUV टाइप के थे, वो भी बेकार ही थे यार। और मैं दूसरे शोरूम की तरफ जा ही रहा था, बट वहाँ पे 3-4 लोग थे जो की बात कर रहे थे की क्लॉक टावर पे बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है, और मैं उनकी बातें छुपके सुन रहा था। और जैसे मुझे पता चला क्लॉक टावर पे इतना बड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है, मैं तुरंत एयरपोर्ट जाके एक प्लेन चुरा के सीधा क्लॉक पे आ गया। लेकिन यार जैसे मैं क्लॉक टावर पे आया, मुझे पता चलता है कि आज नहीं वो कंपटीशन कल होने वाला है। फिर मैंने सोचा एक ही दिन का तो बात है यार, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया आज रात में यहीं पे रहने वाला हूँ। तो फिलहाल सुबह हो चुका और ये रहा गाइस क्लॉक टावर का एयरपोर्ट। लेकिन यार एक बात बताओ, मैं जब से सोच रहा था ये क्लॉक टावर पे इतनी शांति है ना, कल को दिन कोई बम भी फेंकेगा ना किसी को पता नहीं चलेगा, लिख के दे रहा हूँ। बाकी गाइस ये जो आप सामने झंडा देख रहे हो ना, वहीं पे होने वाला है ये कंपटीशन। मुझे लगता है अभी कंपटीशन स्टार्ट होने में ना थोड़ा बहुत टाइम बाकी है। लेकिन यार एक सेकंड, झंडे के नीचे मैं बहुत सारे लोगों को देख पा रहा हूँ, कहीं ये कंपटीशन स्टार्ट तो नहीं हो गया ना। यार मुझे नहीं लगता ये लोग इतना जल्दी ये कंपटीशन स्टार्ट करने वाले। बाकी मुझे थोड़े बहुत फ्लैग्स और बाइक्स नजर आ रहे हैं। अबे लेकिन एक सेकंड, ये क्या है भाई, इन लोगों ने तो कंपटीशन के नाम पे कुछ अलग ही बना रखा है भाई। डिस्को लाइट, आग वाग और पता नहीं क्या क्या लगा रखा है इसके ऊपर। यार मुझे ना कसम से ये देखने के बाद बिल्कुल भी रुकने का मन नहीं कर रहा है, फटाफट से मैं अपनी गाड़ी निकाल के चलता हूँ कंपटीशन की तरफ। यार मुझे ना सच में यकीन नहीं हो रहा ये क्या बना दिया इन लोगों ने। चलो मैं जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी भगा लेता हूँ, वरना रजिस्टर करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। चलो गाइस मैं आ चुका हूँ इसके पास, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। लेकिन यार कितना लंबा लाइन लगाया इन लोगों ने, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। लेकिन यार इसको तो देखो कितना मस्त लग रहा है। चलो मुझे एक आइडिया आया है, मैं एक काम करता हूँ इनके लाइन के बीच में मैं भी घुस जाता हूँ। अरे नुबड़ो, तुम लोगों ने कितना लंबा लाइन लगाया है, हटो हटो मेरे सामने से, मुझे भी लाइन में आना है। और यहाँ पर तो देखो कितने सारे गाड़ी है। अबे हिप हॉप, मुझे भी लाइन में आने दे। अरे नुबड़े तू मुझे मारेगा, ये ले हेडशॉट और लाइन में आ जा। अरे नुबड़े तू मुझे मारेगा, तेरी इतनी हिम्मत, ये ले तू भी हेडशॉट खा। भाई बड़ा आया मुझे मारने, लेकिन आज मैं कैसा भी करके ये कंपटीशन में हिस्सा लेके रहूंगा। अरे हट नुबड़े मेरे सामने से। अरे सकुरा, ये कंपटीशन जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा जल्दी बता। अरे नुबड़े एडम, ये कंपटीशन तेरी औकात से बाहर है। जो भी अपनी गाड़ी लेके रैंप के ऊपर जंप मार के ये रिंग के बीच में से होके उस तरफ जाएगा, उसको ये 3-3 सुपर कार के साथ इतना सारा पैसा और सोना भी मिलेगा। अबे नुबड़े मेरे सामने से हट जा, मैं अपनी सुपर बाइक से ये चैलेंज जीतूंगा, आप देखना मेरे कमाल। अरे लेकिन ये क्या हो गया, मैं तो गाड़ी गई बाहर आ गया। अरे दोस्तों सारे बैठ जाओ, हम सब मिलके ये चैलेंज पूरा करके दिखाएंगे, अब देखना हम ही जीतेंगे। लेकिन ये क्या हो गया हमारे साथ। अरे गरीबो ये देखो मेरे पास ये एरोप्लेन है, अब मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये कैसे ब्लास्ट हो गया। ये देखो मेरे पास ये हेलीकॉप्टर है, लेकिन यार मैं तो भूल गया मुझे चलाना नहीं आता। अरे नुबड़ो तुम लोगों की बस की बात नहीं है, मैं लड़की हो के ये चैलेंज जीत के दिखाऊंगी, ये मैं जीतने वाली हूँ, लेकिन ये क्या हो गया मेरे साथ। तो गाइस ये सब देख के मुझे सच में समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। आज तक मैंने ऐसा चैलेंज कभी किया नहीं है यार, और मुझे ना मन में डर लग रहा है अगर मैं हार गया या मुझे कुछ हो गया तो। और यार मेरे पास ये साइकिल के अलावा और कोई गाड़ी भी नहीं है। चलो छोड़ो, मैं इसी से ट्राई करता हूँ। बस गाइस दुआओं में याद रखना अगर मैं मर गया तो। और ये लो अपना पहला जंप तो अच्छे से हो गया है। यार मुझे ना कसम से वो आग से बहुत डर लग रहा था, और ये अपना फाइनल जंप है, बस ये हो जाए यार प्लीज प्लीज प्लीज। और ये हम जीतने वाले, और ये लोग फाइनली हम जीत गए। यार मैं कसम से बता रहा हूँ मुझे इतना डर लग रहा था ना, मैं सोचा वो आग में मर जाऊंगा। लेकिन यार तुम लोग भूल गए, आपका भाई भी कुछ कम नहीं है, और हमको फाइनली ये 3 गाड़ी और इतने सारे पैसा मिल चुका है। मुझे पर्सनली लैम्बोर्गिनी सियान पसंद है इन 3 गाड़ियों में, क्योंकि यार एक बार इसका साउंड सुन लो तुम लोग। आय हाय क्या ही साउंड है यार इस गाड़ी का, इतना मेहनत करने के बाद एक ड्रिफ्ट तो बनता है। ओ यार मजा आ गया इस गाड़ी को चला के। चलो अभी हम बाहर निकलते हैं, अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना, आज बहुत काम है। अरे यार मैं जब से ये सोच रहा हूँ अपने गाड़ी और अपने गोल्ड को बाहर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर तो एक भी रोड नहीं है नीचे जाने के लिए। तो चलो यार फाइनली यहाँ पर रोड आ चुका है। मैंने सकुरा को कॉल किया और पूरा मैटर एक्सप्लेन कर दिया कि यार मैं अपनी गाड़ियाँ बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ, और उसने ये टेम्पररी रोड हमारे लिए इंतजाम किया है। तो चलो यार फटाफट से अभी अपने गाड़ियाँ यहाँ से बाहर निकालते हैं, और इसके बाद भी बहुत सारा काम बाकी है यार करने के लिए। यार जो भी बोले ये लैम्बोर्गिनी का साउंड बहुत ही खतरनाक है बे। चलो इसको जल्दी जल्दी यहाँ से नीचे उतारते हैं। तो चलो यार जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी को यहाँ से बाहर निकालते हैं। लेकिन भाई एक सेकंड, इन लोगों ने रोड ठीक से नहीं बनाया यार। एक काम करता हूँ राइट साइड से अपनी गाड़ी बाहर निकाल लेता हूँ, बस कुछ डैमेज वैमेज ना आए। ये लोग सारा आधा अधूरा काम करते यार, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। चलो छोड़ो मुझे क्या, मेरी गाड़ी तो यहाँ पर अच्छे से बाहर निकल गई, अब मैं इसको अच्छे से धूप में रखूंगा और बाकी के गाड़ियां भी यहीं पे लाऊंगा। तो गाइस फाइनली हमने अपने गाड़ियां पैसा सोना जो भी था सब कुछ नीचे ला लिया है। और गाइस एक बात बताओ, सकुरा ने भी अपना बहुत हेल्प किया यार, बहुत ही अच्छा बंदा है ये। गाइस अभी अपना काम खत्म नहीं हुआ यार, अब भी बहुत सारा काम बाकी है, मैं आपको चलते चलते सारा प्लान बता दूंगा। बाकी मैंने सकुरा को बोल दिया अपने सारे गाड़ी एक ट्रक में लोड करके रखना। और गाइस हम चलते हैं अभी क्लॉक टावर के एयरपोर्ट पे।
तो गाइस अभी सीन ऐसा है ना, अपने को पहले लॉस सैंटोस वापस जाना पड़ेगा एक बड़ा सा कार्गो प्लेन लाने, और गाइस वो कार्गो प्लेन को पहले क्लॉक टावर पे लाना है, फिर सारे गाड़ियां उसके अंदर लोड करके फिर से लॉस सैंटोस वापस जाना है। बहुत काम है यार कसम से, क्योंकि यार बिना कार्गो प्लेन के हम यहाँ से गाड़ियां नहीं ले जा पाएंगे। फिर लॉस सैंटोस में लैंडिंग करने के बाद वहां पे एक ट्रक का जुगाड़ करना पड़ेगा जो कि अपने गाड़ियां घर पे लेके जा सके। यार इतना सारा काम एक दिन में कैसे करेंगे हम लोग। तो चलो यार अभी अपने को बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी जल्दी ये प्लेन लेते और निकलते हैं लॉस सैंटोस की तरफ। ऑल राइट गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं लॉस सैंटोस के एयरपोर्ट पे। वैसे मैंने डिमिट्री को कॉल करके बोल दिया था कि हमारे लिए एक बड़ा सा कार्गो प्लेन का इंतजाम करो, और वो बंदा अपने लिए रनवे पे वेट कर रहा है, तो मैं जल्दी अपना प्लेन लैंड कर लेता हूँ। लेकिन यार वो कहीं दिख नहीं रहा, गया तो गया कहाँ। अरे मिल गया, ये रहा सामने, यार कितना बड़ा प्लेन लाया है ये बंदा। तो चलो यार अपना प्लेन भी यहीं पे लैंड करते हैं। वैसे यार अब सबके मन में एक थॉट आया हुआ कि ये डिमिट्री अचानक से आया कहाँ से। तो मैं आपको बता दूं, डिमिट्री हमारा बहुत ही पुराना दोस्त है यार, लाइक 2-3 साल तो हो गए अब तक, और ये हर एक काम में अपनी हेल्प करते हैं, और इसको हैकिंग के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज भी है। कुछ ज्यादा ही तारीफ कर लिया मैंने डिमिट्री का। तो चलो यार फाइनली हम लोगों ने लैंडिंग कर लिया, अब जल्दी जल्दी ये कार्गो प्लेन के अंदर बैठते हैं और निकलते हैं क्लॉक टावर की तरफ। यार ये कार्गो प्लेन कसम से कितना बड़ा, इसको चलाते वक्त मुझे एक भारी भारी टाइप का महसूस हो रहा है भाई। और बाकी ये प्लेन इतना बड़ा है ना, इसके सामने एयरपोर्ट भी छोटा लग रहा है मुझे। तो चलो यार अभी आराम से इसको टेक ऑफ करते, लेकिन टेक ऑफ करते टाइम कुछ भी गलती हुई तो हम भाई सीधा ऊपर। ऑल राइट गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके क्लॉक टावर के एयरपोर्ट पे। अब मुझे आराम से इसको लैंड करना पड़ेगा, जस्ट फोकस ऑन लैंडिंग। मैं अभी कुछ बात नहीं करूंगा जब तक ये ठीक से लैंड ना हो जाए। चलो भाई फाइनली ये लैंड तो हो गया, चलो अभी आराम से इसको रिवर्स में लेते हैं। गाइस यहाँ पर अपना सेफ लैंडिंग तो हो गया, अभी जल्दी अपनी गाड़ियाँ इसके अंदर लोड करते हैं। गाइस मुझे लग रहा है सकुरा ने सारे गाड़ियाँ ट्रक के अंदर लोड कर दिया है। बाकी यार मुझे यहाँ पर एक ट्रक और गाड़ियाँ तो नजर आ रहा है, लेकिन सकुरा कहाँ गया, ये अचानक गायब का हो गया भाई, कहीं दिख ही नहीं रहा है। और लो भाई मैंने जो सोचा वही हुआ, इसने सब आधा अधूरा काम किया है। और ये तो देखो यार कितना लापरवाही तरीके से मेरी गाड़ियां रखा इसने, अगर एक भी गाड़ी नीचे गिर गया तो बहुत गंदा नुकसान होगा। चलो छोड़ो यार, मुझे ही अब ठीक से रखना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने सारे गाड़ियों को एकदम अच्छे से लोड कर दिया, मुझे आराम से ये ट्रक को चलाना पड़ेगा। गाइस मेरे पास एक आइडिया है, अभी अपने पास बहुत पैसा है ठीक है, और मैं क्या सोच रहा हूँ इस पैसों से थोड़ा बहुत एक बिजनेस टाइप का करते हैं। बिजनेस जैसे कि एक कार शोरूम हो गया या ऐसी कुछ। यार प्लान्स तो बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और बाकी मैं डिमिट्री को थोड़ा बहुत पैसा दे दूंगा, क्योंकि यार हमेशा वो बंदा अपनी हेल्प करने के लिए आगे रहता है। और यार बातों में मैं अपने ट्रक को अजीब सी जगह से लेके आ रहा हूँ। गाइस यहाँ पर हम एयरपोर्ट के पास आ चुके हैं, और गाइस आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया, ये एरोप्लेन रनवे से भी बड़ा है भाई। तो चलो गाइस बिना किसी देरी के अपने सारे गाड़ियां इस प्लेन के अंदर लोड करते हैं। गाइस हमने सारे गाड़ियां इस प्लेन के अंदर लोड कर दिया, चलो अभी हम बाहर निकलते हैं यहाँ से। गाइस क्या मैं आपको एक चीज दिखाऊं, एक सेकंड रुको, मुझे ना थोड़ा बहुत दूर जाने दो इस प्लेन से। ये देखो गाइस हमने प्लेन का नाक ही खोल दिया सामने से। यार ये नाक है या मुंह समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो भी हमने खोल दिया। तो चलो यार अभी ये नाक को बंद करते हैं और निकलते हैं लॉस सैंटोस की तरफ। गाइस मैंने यहाँ पर डिमिट्री को मैसेज कर दिया कि मैं लॉस सैंटोस वापस आ रहा हूँ मेरे सारे गाड़ियां पैसा और सोना लेके। और मैंने उसको ये भी बोल दिया कि आते टाइम एक ट्रक का इंतजाम करना है जिसे कि हम सारे गाड़ियां और पैसा सोना उस पे लोड कर सके। तो गाइस यहाँ पर हम आ चुके हैं लॉस सैंटोस। मुझे एक ही चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, इस प्लेन को आराम से लैंड करना है, अगर लैंडिंग अच्छे से नहीं हुई तो अपना सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा गाइस। और बाकी यहाँ पर और एक प्लेन अभी अभी लैंड हुआ है। लेकिन यार एक बात बताओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे प्लेन के सामने बहुत सारे बंदे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यार प्लेन बहुत बड़ा है यार, इसलिए मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है, सब कुछ छोटा छोटा दिख रहा है। एक काम करता हूँ मैं अपने प्लेन से बाहर आके देखता हूँ आखिर सीन क्या है। और लो भाई मैं ही गिर गया नीचे। अरे ये तो क्रिमिनल है, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई। वो लाल क्रिमिनल तू मेरे रास्ते के बीच में आ रहा है, चुपचाप साइड हट जा। अबे ज्यादा मत बोल, चुपचाप तेरे सारे गाड़ियां और एरोप्लेन हमें दे दे, चल हट। यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आप सभी को भी जानना है नेक्स्ट वाले एपिसोड में क्या होने वाला है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ गाइस इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस।